सब्सक्राइब करें एनलर्न न्यूज को और इस बेल आइकन को दबाएं देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए। एक इंसान को जब आत्मज्ञान मिल जाता है, फिर क्या उसकी यात्रा खत्म हो जानी चाहिए? अगर नहीं तो उसे जरूरत क्या है दुनिया में इतने तरह के काम करने की? प्रश्न। सद्गुरु, आप ईशा में होने वाली इतनी सारी गतिविधियों को मैनेज करते हैं, साथ ही इतना घूमना फिरना, इतने टॉक्स, आपको कितने लोगों से मिलना जुलना पड़ता है और एक ही तरह के सवाल का बार बार जवाब देना पड़ता है, इन सब से आपको क्या मिलता है? मुझे यह सब बहुत तनावपूर्ण लगता है। अगर मैं आत्मज्ञानी होता तो मैं बस बैठकर उसका आनंद लेता। आप ये सब जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? सद्गुरु कहते हैं, काम करने का असली आनंद वही जान सकता है जिसे काम करने की कोई जरूरत ना हो। जब आपको मजबूरी में काम करना पड़ता है तो आप नहीं जान पाते कि काम करना क्या होता है। अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो मैं मरने तक इसी तरह बैठा रह सकता हूं। अगर मैं कितने भी दिन सिर्फ एक जगह पर बैठा रहूं तो मेरे मन में एक भी विचार नहीं होगा। उस समय मैं बस जीवित रहूंगा, कोई विचार या भावनाएं, कुछ नहीं, सिर्फ जीवन। जब आपको काम करने की जरूरत नहीं होती, जब आप भीतरी विवशता के कारण काम नहीं करते, तो आप अपने शरीर से या अपने मन में जो कुछ भी करते हैं वह आपको परमानंद की ओर ले जाता है। अगर आप कुछ नहीं करते तब भी आप आनंदित होते हैं। मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय वह होता है जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूं, सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि किसी भी तरह से कुछ भी नहीं। मगर आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि अपने आसपास देखते हुए आपको लगता है कि दुनिया में उस काम की जरूरत है। जब आपके साथ कुछ सुंदर होता है तो आपके अंदर उसे साझा करने की कुदरती इच्छा होती है। जब आप कोई अच्छा चुटकुला भी सुनते हैं तो क्या आप घर जाकर रजाई में घुसकर खुद को वह सुनाते हैं, या आप अपने दोस्त को ढूंढकर उसे वह चुटकुला सुनाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप क्या है और दूसरा क्या है ये अलग अलग नहीं होता, आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब है कि हमें किसी ना किसी तरह कुछ करना है? नहीं। जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं आंख बंद करूं तो मुझे उन्हें फिर से खोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस बैठकर अपना जीवन बिता सकता हूं। मगर लोग अलग अलग रूप में जीवन जी रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप इंसानी दुखों के बारे में कितना जानते हैं। मैं रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलता हूं और जिस पल वे मेरे सामने बैठते हैं मैं उनके आर पार देख सकता हूं, उनका एक एक हिस्सा देख सकता हूं। चाहे वे अपने चेहरे पर कितनी भी खुशी ओढ़ कर बैठे, मैं उनके आर पार देख सकता हूं। अगर आप देखेंगे कि इंसान ने कितने दुखों का इजाद किया है तो वाकई हैरानी होगी। उन्होंने दुखी होने के कितने तरीके खोज लिए हैं। नरक के चौकीदार भी आपसे जीत नहीं सकते। एक समय ऐसा था जब यह सारी चीज मेरे अंदर नई नई थी और हमेशा कहीं भी लोगों को देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे, क्योंकि मैं परमानंद में डूब रहा था और वे बेवजह दुखी होते थे। जो कुछ मेरे अंदर है उनके अंदर भी है, मगर वे दुखी चेहरे के साथ घूम रहे हैं। फिर मैं लंबे समय तक मिलना जुलना छोड़ देता था ताकि उन्हें देखने से बच सकूं।
अब मैंने हंसना सीख लिया है क्योंकि आप आंसुओं के साथ काम नहीं कर सकते। अब मैं हंसता हूं इसलिए नहीं कि आप दुखी है और मैं नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि आप खुद के लिए दुखों को पैदा कर रहे हैं जबकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपको लगेगा कि आपके पास दुखी होने के लिए बहुत सी वजह है, मगर ईमानदारी से देखें तो लगेगा कि वास्तव में कोई वजह ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं जीवन के साथ अपना बुनियादी संतुलन खो बैठे हैं। जीवन के साथ आपका तालमेल खराब हो गया है। इनर इंजीनियरिंग के तौर पर हम जो सिखाते हैं वह मुख्य रूप से इसलिए है ताकि आप इसे ठीक कर सके। मेरा सिखाने का तरीका मेरे शब्दों में नहीं है, मैं आपके साथ तार्किक तरीके से बात करता हूं क्योंकि फिलहाल आप इसे ही समझ सकते हैं। अगर आप इस सारी तार्किक बकवास के बिना एक पल के लिए मेरे साथ बैठने को तैयार हो तो मैं आपको आनंद से सराबोर कर दूंगा। मगर आप मेरे साथ इसलिए नहीं बैठे कि आप मुझे उस तरह अनुभव करते हैं जैसा मैं हूं, या आप कोई और महत्व या अनुभव देखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे तर्क आपको सही लग रहे हैं। ये मेरे साथ होने का बहुत बुरा तरीका है। ध्यान लिंग की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैंने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, मगर किसी वजह से मैं रुक गया। मैं लोगों के बीच हूं इसलिए मैं कुछ कर सकता हूं। जब काम करने की कोई बाध्यता नहीं होती तो आप कुदरती तौर पर वह करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फिलहाल मुझे दुनिया में सबसे जरूरी यह लगता है कि लोग जीवन का अनुभव जिस तरह करते हैं उसमें कम से कम एक स्तर आगे बढ़ सके। ये उनके लिए भी और दुनिया के लिए भी बड़ी राहत की बात होगी। धन्यवाद।